ठीक है। उससे पहले ना एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है, वो भी हम लोगों ने पढ़ना है, जो डिटेल टॉपिक है जो कि तमाम बुक्स में है, दैट इज सॉइल टेक्सचर, और ये पेपर क्लास से भी इम्पोर्टेंट है। तो हम एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, सॉइल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे आंसर लिखा है वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ जो सॉइल है, तो उसकी जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मिनरल भी मौजूद होते हैं, एयर और वाटर भी होते हैं, और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं। मिनरल्स जो होते हैं वो सॉइल का अगर हम रफली बात करें, रफ एस्टिमेट करें, तो 45% होते हैं सॉइल में जो मिनरल्स होते हैं, रफली 45% होते हैं। एयर और वाटर जो होते हैं 25% होते हैं, एयर भी 25% होती है, वाटर भी 25% होता है, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं तो वो 5% होते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल्स की। सॉइल जो होता है पोरस मटेरियल होता है जो कि सॉलिड्स और पोर्स पर मुश्तमिल होता है। पोरस मटेरियल है तो मतलब है कि एक सॉलिड सब्सटेंस है और उसमें कई इंटर जो है वो स्पेसेस मौजूद है, उसके दरमियान में स्पेसेस मौजूद है, पोर्स मौजूद है। एक जो टिपिकल सॉइल होती है दैट इज कंपोज्ड ऑफ हाफ सॉलिड्स एंड हाफ पोर स्पेस फिल्ड विद वाटर एंड एयर। एक जो टिपिकल सॉइल होती है वो सॉलिड्स और पोर स्पेसेस जो होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है। हाँ, सॉलिड से मुराद होता है मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर आ रहे होते हैं। आपको भी बताया कि जो मिनरल होते हैं तो वो 45% होते हैं और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है तो वो सिर्फ 5% होता है, तो ये 50% हो गया। मिनरल से मुराद होता है, देखें मिनरल से मुराद होता है जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, फॉस्फोरस, तो इनको मिनरल्स कहते हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये 45% होते हैं सॉइल, और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं वो सिर्फ 5% होते हैं, और ये होते हैं सॉलिड। और साथ में पोर्स में क्या चीज़ें होती हैं, एयर होती है और वाटर होता है। बोथ सॉलिड मटेरियल्स एंड पोर स्पेसेस आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, ये दोनों इम्पॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो सॉलिड सब्सटेंसेस हों या पोर स्पेसेस हों, दोनों जो होते हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। सॉइल मिनरल्स की बात करते हैं, द मिनरल कंपोनेंट ऑफ सॉइल्स कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स। जो मिनरल होते हैं तो उनमें सैंड होती है, रेत, सिल्ट, बल और क्ले। अच्छा गौर से सुनना है आप लोगों ने, सैंड का आपको पता है रेत को कहते हैं, क्ले मट्टी होती है, चिकनी मट्टी जो होती है, चिकनी मिट्टी जो होती है उसे क्ले कहते हैं। सिल्ट जो होता है इन दोनों का मिक्सचर होता है, कि जब सैंड और क्ले मिक्स होंगे तो उससे जो ये सॉइल टाइप बनती है उसको सिल्ट कहते हैं, इसे उर्दू में बल भी कहते हैं। डिफरेंट सॉइल्स हैव डाइवर्स प्रोपोर्शंस ऑफ दीस पार्टिकल्स, जो डिफरेंट सॉइल्स होती हैं उनमें इन पार्टिकल्स के मुख्तलिफ प्रोपोर्शंस होते हैं। रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ दी सॉइल्स पार्टिकल in a soil is called soil texture. The relative proportion of these soil particles in a soil is called soil texture. ये जो soil particles होते हैं इनका relative proportion क्या बनता है एक soil में, उसे soil texture कहते हैं। Arrangement of the solid particles of soil into aggregates is called soil structure. और ये जो solid particles होते हैं ये एग्रीगेट्स में कैसे अरेंज होते हैं तो उसको सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। बोथ टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर आर कंसीडर्ड की सॉइल प्रॉपर्टीज, टेक्सचर और स्ट्रक्चर जो होते हैं दोनों को की सॉइल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर और सॉइल वाटर एंड एयर। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर इज सीमली वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ अ गिवन सॉइल, usually 1-6% of mineral soils. कि ये जो organic matter है
ये तो दिखाई ये देता है कि ये बहुत ही कम होता है, 1 to 6% होता है, 5% आप लोग कह लेते हैं, वेरी करता है 1 to 6% तक। However, it plays multifarious role in the soil behavior. ताहम इसका जो रोल है वो बहुत ज्यादा वेरी करता है। ये मुख्तलिफ लिहाज से सॉइल और जो प्लांट्स होते हैं और जो सॉइल के मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन पर कई तरह से असर अंदाज होता है। इट इन्फ्लुएंसेस सेवरल सॉइल प्रॉपर्टीज सच एज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी एंड एग्रीगेट स्टेबिलिटी। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग से मुराद होता है कि वाटर जो है वो कितना कितनी देर तक रह सकता है सॉइल में, तो उसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं। कि जो सॉइल है वो वाटर को कब तक एब्जॉर्ब किए रखती है, तो उसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं ऑफ द सॉइल, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी होता है, इसमें जो सोडियम और पोटाशियम आयन्स होते हैं वो एक्सचेंज हो रहे होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। एंड एग्रीगेट स्टेबिलिटी, एग्रीगेट स्टेबिलिटी से मुराद होता है कि छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, उसको आज हम पढ़ेंगे, वो इधर लिखा भी हुआ, आज हम पढ़ेंगे उसको वैसे एग्रीगेट को, तो उसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। इस तरह सॉइल ऑर्गेनिक मैटर आल्सो सर्व्स एज फूड फॉर द माइक्रोब्स इनहैबिटिंग द सॉइल। ये जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनके लिए ये फूड का सोर्स भी होता है। फिर सॉइल वाटर और एयर आ जाते हैं। सॉइल वाटर एंड एयर आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल वाटर एंड एयर। जो सॉइल वाटर और एयर होते हैं तो वो नॉर्मल वाटर और एयर से मुख्तलिफ होते हैं। वाटर इन द सॉइल इज मोर लाइक अ सोल्यूशन। ये जो वाटर होता है सॉइल में एक सोल्यूशन की तरह होता है, बिकॉज इट कंटेन्स डिसॉल्व न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स एंड सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स। बिकॉज इसमें डिसॉल्व न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स और सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। सॉइल एयर हैज हायर CO2 कंसंट्रेशन एंड लोअर ऑक्सीजन कंटेंट ड्यू टू रूट रेस्पिरेशन देन इन द एटमॉस्फेरिक एयर। सॉइल एयर हैज हायर CO2 कंसंट्रेशन। ये जो सॉइल एयर होती है इसमें CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होती है। अगर हम वो एटमॉस्फेरिक की बात करते तो वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होती है, CO2 कम होता है। यहाँ पर जब ऑक्सीजन कम होती है CO2 ज्यादा होती है, तो इसलिए ये जरा डिफरेंट होते हैं। क्वांटिटी ऑफ एयर एंड वाटर इन अ सॉइल इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये जो एयर और वाटर की अमाउंट होती है सॉइल में वो भी रेसिप्रोकल होती है। आफ्टर रेनफॉल और इरीगेशन, जब बारिश होती है या आबपाशी की जाती है, ऑल पोर्स आर फिल्ड विद वाटर, तमाम पोर्स पानी से भर जाते हैं। बट एज द सॉइल ड्राइज, लेकिन जैसे सॉइल ड्राई होती है, द एयर स्टार्ट्स एंटरिंग द पोर्स, तो हवा उसकी जगह ले लेती है। ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ पोर्स इज फिल्ड विद एयर व्हेन वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इज एक्सट्रीमली लो। ग्रेटर प्रोपोर्शन आ जाता है पोर्स का जब जो होता है वो सॉइल में एयर कंटेंट कम हो जाता है। जब वाटर कंटेंट कम होता है तो एयर ज्यादा हो जाती है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज सॉइल टेक्सचर। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन है, इट इज द रिलेटिव, रिलेटिव ये लफ्ज जरूरी है, रिलेटिव प्रोपोर्शन सिर्फ भी लिख सकते हो आप लोग, लेकिन आपने लिखना है इट इज द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स इन द सॉइल। रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स इन द सॉइल जो होता है ये सॉइल टेक्सचर कहलाता है। सॉइल सेपरेट साइजेस क्या होते हैं, द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है जिसे USDA कहते हैं, हैज एस्टैब्लिश लिमिट्स ऑफ वेरिएशंस फॉर द सॉइल पार्टिकल। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है तो उसने लिमिट्स एस्टैब्लिश कर दी हैं और वेरिएशंस फॉर द सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स की वेरिएशंस के लिए लिमिट्स एस्टैब्लिश कर दी हैं। दीज आर असाइंड अ नेम टू ईच साइज क्लास। यहाँ पर हर साइज क्लास को एक नाम जो होता है वो असाइन किया जाता है। द टेक्सचर ऑफ एनी सॉइल इज डिटरमाइंड बाय द पार्टिकल साइज एंड देयर रिलेटिव प्रोपोर्शन। सॉइल किस किस्म की होगी, उसका टेक्सचर क्या होगा, तो वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर वन पे पार्टिकल साइज, पार्टिकल का साइज क्या है, एंड नंबर टू पे देयर रिलेटिव प्रोपोर्शन, उनके रिलेटिव प्रोपोर्शंस क्या है।
Soil is constituted by sand, silt and clay. Soil जो होता है उसमें sand होती है, silt होते हैं, clay होता है, which ranges from particles of 2 mm to less than 0.002 mm तक इनका जो होता है ये वेरी कार्गो होता है. तो कोर्स ग्रेवल आता है, कोर्स ग्रेवल जो होता है मोर देन 5 mm होता है. फाइन ग्रेवल आता है 5 mm टू 2 mm होता है. कोर्स सैंड आते हैं 2 mm टू 0.2 mm आते हैं. फाइन सैंड आ जाता है 0.2 mm टू 0.02 mm आ जाता है. सिल्ट जो होता है 0.02 mm टू 0.002 mm आ जाता है. और लास्ट में क्ले आता है वो लेस देन 0.002 mm होता है. तो ये डिफरेंट इसकी क्लासेस होती हैं, या पढ़ लोगे. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल्स आर एज फॉलोस. इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? नंबर वन पे है ग्रेवल, स्मॉल स्टोन पार्टिकल्स, बजरी लिखा हुआ है बजरी. द रॉक फ्रैगमेंट्स रिप्रेजेंट द रॉक्स फ्रॉम विच द रेगुलेट एंड इन टर्न द सॉइल हैव बीन फॉर्म्ड बाय वेदरिंग. रॉक फ्रैगमेंट्स होते हैं रिप्रेजेंट द रॉक्स, जो कि रॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं. फ्रॉम विच द रेगुलेट, जिससे रेगुलेट, रेगुलेट क्या था, जो इनिशियल मटेरियल होता है, इसको पेरेंट मटेरियल भी कहते हैं, जिससे सॉइल्स बनती हैं. तो रॉक मटेरियल जो फ्रैगमेंट्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं रॉक्स को, जिनसे रेगुलेट बनता है. एंड इन टर्न द सॉइल्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय वेदरिंग, और उससे जो होता है फिर सॉइल्स बनती है. रॉक मटेरियल होता है, उनसे जो उनकी वेदरिंग होती है तो उससे रेगुलेट बनता है, जिसको पेरेंट मटेरियल भी कहते हैं, रेगुलेट और पेरेंट मटेरियल. और जब इनकी फर्दर वेदरिंग होती है तो उससे जो होता है वो सॉइल्स बनती हैं. They are composed of aggregates of minerals and are usually quite coarse. ये minerals के aggregates होते हैं और सख्त होते हैं. The size of gravel is in between 2 to 0.05 mm. ये जो gravel होता है इसका जो size होता है 2 mm से लेकर 0.05 mm तक होता है. Coarse sand आ जाती है. लार्ज सैंड पार्टिकल्स आर इंक्लूडेड इन कोर्स सैंड. ये जो कोर्स सैंड होती है तो इसमें लार्ज सैंड पार्टिकल्स आ जाते हैं. दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. आपको पता है सैंड तो इनसॉल्युबल होती है, ये भी इनसॉल्युबल होती है, बेशक स्मॉल हूँ या लार्ज हूँ इनसॉल्युबल ही होते हैं. दे आर केमिकली इनर्ट. ये केमिकली इनर्ट होते हैं. एज ए रिजल्ट ऑफ लार्ज पोर स्पेसिस बिटवीन डैम देयर इज गुड एयरेशन. क्योंकि यहाँ पर लार्ज पोर स्पेसेस होते हैं, एयरेशन बहुत ज्यादा होती है. दिस इज एडवांटेजियस फॉर द प्लांट्स बट एट द सेम टाइम ड्यू टू एक्सेसिव ड्रेनेज. ये इनके लिए फायदेमंद होती है, लेकिन इसी वक्त क्योंकि आप वो निकासी बहुत ज्यादा होती है, एक्सेसिव ड्रेनेज होती है. रेत है, रेतली जमीन है, सैंडी सॉइल है, वाटर जो ज्यादा देर तक वहाँ पे होल्ड नहीं करेगा, एक्सेसिव ड्रेनेज होती है. डेफिशिएंसी ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस. तो जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी होती है, रिजल्टिंग इन अनफेवरेबल कंडीशंस फॉर द प्लांट लाइफ. और जो प्लांट लाइफ होती है उसके लिए कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती हैं ड्यू टू लेस होल्डिंग ऑफ वाटर. पानी होल्ड नहीं कर पाता, पानी जो वहाँ पर मौजूद नहीं होता, पानी कम होने की वजह से जो प्लांट लाइफ है वो उसके लिए डिफिकल्टीज पैदा होती है. पाइन सैंड, इट हैज मोर और लेस सेम प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ कोर सैंड. इसकी भी तकरीबन कम या ज्यादा, मोर और लेस सेम प्रॉपर्टीज, कम या ज्यादा वही प्रॉपर्टीज होती हैं जैसा कि कोर सैंड की होती हैं. बट आर लेस एक्सट्रीम, लेकिन ये कम ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होते हैं. इट डिफर्स फ्रॉम कोर सैंड बाई इट्स पावर ऑफ कोहेरेंस. ये कोर सैंड से डिफर करता है चूंकि इसमें कोहेरेंस होती है. ये फाइन सैंड पार्टिकल्स होते हैं और ये आपस में जो होता है कंबाइंड होते हैं, एग्रीगेटेड होते हैं. फाइन सैंड में ओनली अलाउ स्लो वाटर मूवमेंट. ये फाइन सैंड पार्टिकल्स होते हैं, इसमें से जो वाटर मूवमेंट होती है बहुत स्लो होती है. एंड डू नॉट एक्चुअली रिटेन एनी एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ ऑन इट. और ये भी है कि इनके ऊपर भी पानी को इतने ज्यादा मौजूद नहीं रहता है. एज दे हैव स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल, जैसे कि इनके स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, देयरफॉर दे रिटार्ड फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर एंड एयर. ये मूवमेंट जो होती है एयर या वाटर की उसको रिटार्ड करते हैं, दस रिटेनिंग सर्टन अमाउंट ऑफ देम, इसलिए उसके अमाउंट को रिटेन करते हैं. सिल्ट आता है,
silt like quartz and fine sand is composed of fragments of rock minerals. Silt जैसा कि quartz और fine sand होता है, तो ये rock minerals के fragments पर मुश्तमिल होता है. In this case, यहाँ पर smallness of the soil fraction retard movements of air and water. यहाँ पर smallness जो होती है soil fraction की, वो air और water की movements को retard करते हैं. Silt also exhibits the properties of colloids to some extent. जो silt होता है वो भी किसी हद तक इन प्रॉपर्टीज पर असरअंदाज होती है, एज इट हैज स्लाइट टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब एंड रिटेन वाटर. जैसा कि इसमें सलाहियत होती है, कम सलाहियत होती है वाटर को रिटेन या एब्जॉर्ब करने की. सिल्ट व्हेन वेट फॉर्म हैवी स्टिफ सॉइल्स. सिल्ट जब वेट होती है तो वो स्टिफ सॉइल्स बनाती है विच आर डिफरेंट टू वर्क. वर्क से मुराद है वहां पर काश्तकारी करना मुश्किल होता है, एंड आर इजिली क्रम्पल्ड, और वो आसानी से जो होता है वो डैमेज भी हो जाती है. और लास्ट में आता है क्ले, चिकनी मिट्टी. क्ले डिफर्स वेरी मार्कली बोथ केमिकली एंड फिजिकली फ्रॉम कोर सैंड, फाइन सैंड एंड सिल्ट. कोर सैंड है, फाइन सैंड है, सिल्ट है, इनसे फिजिकली केमिकली ये जो होता है डिफर करती है. क्ले ओइंग टू द स्मॉलनेस ऑफ इट्स पार्टिकल्स आर कोलाइडल इन नेचर. ये जो क्ले होती है ये कोलाइडल इन नेचर होते हैं, एंड लाइक जिलेटिन और जिलेटिन की तरह इट इज एबल टू एब्सॉर्ब एंड रिटेन कंसीडरेबल क्वांटिटीज ऑफ वाटर. ये कंसीडरेबल क्वांटिटीज ऑफ वाटर को एब्सॉर्ब कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, दस इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाता है. इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की स्मॉल क्वांटिटीज में इन सो ठीक है. Clay particles, some of them become aggregated together to form large size particles known as crumbs. ये जो होते हैं जो छोटे छोटे particles होते हैं वो बड़े particles में भी change हो जाते हैं और उनको crumbs कहते हैं. This condition of crumb formation of clay is said to be flocculated. इसको flocculated कहते हैं, but in the presence of certain minerals such as sodium, there is a reverse effect. लेकिन कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जैसे कि सोडियम होता है, इसका रिवर्स इफेक्ट होता है विच कॉज डिस्पर्शन इन दीज एग्रीगेट्स. जो कि यहाँ पर डिस्पर्शन करते हैं इनटू इंडिविजुअल पार्टिकल्स. इंडिविजुअल पार्टिकल्स में दिस प्रोसेस इज नोन एज डीफ्लोकुलेशन. सॉइल टेक्सचर नेम एंड क्लासेस आ जाता है जी. टेक्सचर नेम्स आर गिवन टू सॉइल्स. टेक्सचर नाम जो दिए जाते हैं टेक्सचर के, ये कौन सा टेक्सचर है नाम दिए जाते हैं based upon the relative proportions of each of the three soil particles, sand, silt and clay. So uske lihaz se diye jaate hain. The soils are named after the name of various types of particles found as major constituent. ye jo soils ko naam diye jate hain wo after the name of various types of particles hote hain jo ke major taur pe paaye jate hain, such as sandy soil. टेक्सचुरल क्लास आ गई, इन विच सैंड इज अबंडेंट, सैंड ज्यादा होती है. इन द सेम वे देयर आर सिल्टी एंड क्ले सॉइल. सिल्टी और क्ले सॉइल्स होते हैं. इफ अ सॉइल इज मिक्सचर ऑफ अबाउट इक्वल पार्ट्स ऑफ ऑल पार्टिकल साइजेस स्पेशली सिल्ट, क्ले एंड सैंड, देन दिस टाइप ऑफ सॉइल इज एनोविनस लोम. तो इस किस्म की सॉइल को एनोविनस लोम कह लेते हैं कि जब सैंड, सिल्ट, क्ले तमाम इक्वल साइजेस में हैं तो उसको एनोविनस लोम कहते हैं. इवन लोम कैन बी कॉल्ड क्लेई लोम और सैंडी लोम. यहाँ तक कि जो लोम होती है वो भी क्लेई लोम और सैंडी लोम में डिवाइडेड होती है, डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स. उसकी अबंडेंस पर डिपेंड करती है. और ये डिफरेंट हैं तो वो टेबल बना हुआ पढ़ लोगे. सैंड सॉइल वो होती है जिसमें सैंड 80-100% होती है, और सिल्ट और क्ले जो होते हैं वो 0-20% तक होते हैं. इसी तरह क्ले वो होती है जिसमें सैंड जो होती है वो 0-50% तक होती है. तो ये डिफरेंट है. लोम जो होती है, लोम में देखेंगे तो सैंड होती है जी 30-50%, सिल्ट होती है 30-50%, और क्ले होता है 0-20%. और जो लोम होती है वो बेस्ट सॉइल होती है. शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लोम इज बेस्ट सॉइल, तो बताओ, वजात करो, एक्सप्लेन करो, डिस्क्राइब करो. तो लोम इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट सॉइल. लोम को बेस्ट सॉइल कहते हैं बिकॉज द क्ले कंटेंट्स ऑफ द लोम फॉर्म स्मॉल एग्रीगेट्स. क्योंकि जो इसमें क्ले कंटेंट्स होते हैं
वो स्मॉल एग्रीगेट्स बनाते हैं एंड सैंडी पोर्शंस कीप देम स्मॉल एंड पोरस, और जो छोटे सैंडी पोर्शंस होते हैं वो उनको स्मॉल और पोरस रखते हैं। इफ सच अ सॉइल हैज सम ऑर्गेनिक मैटर्स, अगर ऐसे सॉइल में कोई ऑर्गेनिक मैटर होता है देन इट इज द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ, फिर ये प्लांट ग्रोथ के लिए बेस्ट सॉइल होती है। द सॉइल टेक्सचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ, ये जो सॉइल टेक्सचर होता है प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द ग्रोथ, सॉइल एरेशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड सॉइल स्ट्रक्चर। क्योंकि ये ग्रोथ, सॉइल एरेशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और सॉइल स्ट्रक्चर पर डायरेक्टली जो होता है वो असरअंदाज होता है। एक और चीज है इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल टेक्सचर इन प्लांट ग्रोथ, उसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है। आज हम लोगों ने जो है वो पढ़ा कि